खबर है छत्तीसगढ़ की, जहां कटघर थाना क्षेत्र के दौड़बाग गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बच्चों के मामले विवाद में युवक को गोली मार दी गई। युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। परिजन घायल को बेहतर उपचार के लिए कांट रोड स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान वहां पहुंचे एक युवक ने कहा कि मामला प्रॉपर्टी विवाद का है। इतना सुनते ही मृतक के परिजन भड़क गए और उन्होंने युवक की जमकर धुनाई कर दी। दिन दहाड़े हत्या की यह घटना कटघर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव दौड़बाग की है। यहां रहने वाला हनीफ मजदूरी किया करता था। मृतक के भाई रमजानी ने बताया कि किसी बात को लेकर हनीफ के बच्चों का पड़ोसी रहीश के बच्चों के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच कहासुनी होने लगी, तभी रहीश ने हनीफ के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही हनीफ लहूलुहान होकर जमीन पर जा गिरा। गंभीर हालत के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। हालत में सुधार ना होने के चलते परिजन हनीफ को लेकर कांट रोड स्थित कॉस्मोस अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हनीफ को मृत घोषित कर दिया। सीओ कटघर सुदेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बच्चों के विवाद में कुछ लोगों ने धोड़बाग गांव में हनीफ नामक युवक को गोली मार दी थी। परिजन उसे उपचार के लिए कॉस्मोस अस्पताल ले गए थे, जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हत्या आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आज क्या हुआ? आज हुआ ये कि बच्चों में थोड़ी कूद चढ़ाके हो गई थी। बच्चों के पीछे मेरा भाई बच्चे को डांट के लाने लगा, मैं ले आया। मेरे भाई का लड़का भाई को पकड़ के लाने लगा, वो घर को ले आया। उसने पीछे से आते ही तुरंत गोली मार दी। उसने रईस ने, और फिर बंदूक लेके आया 12 बोर की। अमीर ने तुरंत लाके गोली मार दी। और फिर आया उसका भाई लोया राशिद, उसने तुरंत गोली मारी। मैं सेट से हो गया साहब, मैं अंदर घर में पड़ गया। मेरे गेट की बात है, आया चांद बाबू गोली मारो साले गोली। फिर चांद बाबू ने भी किया। जिनके गोली लगी उनकी स्थिति क्या है? खत्म हो गए तुरंत मौके पर। हम लेके गए जिला अस्पताल, फिर लेके आए कॉस्मोस। यहाँ डॉक्टर साहब बोले इनमें कुछ नहीं है, तुम पर ले जाइए। क्या नाम था मृतक का? नाम था मोहम्मद हनीफ। ठीक। मेरे भाई के 6 लड़के हैं और बहुत बुरी स्थिति, सामने से गोली मारिए बैठे, सामने से गेट पर गोली मारिए बैठे हुए। ठीक। आज सुबह इनका बच्चों को लेकर विवाद हुआ था गाँव में ही, किसी नाली में पानी को, नाली में मिट्टी भरने को लेकर। इसी में हनीफ नाम के व्यक्ति के गोली मार दी गई है दूसरे पक्ष द्वारा। उनका कहना है कि गोली सटा के एक गोली मारी गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कॉस्मोस हॉस्पिटल में एडमिट है, इनकी आवश्यक कार्रवाई करवाई जा रही है। सर, इसमें जो युवक की गोली लगी थी वो क्या एक्सपायर हो गए? वो एक्सपायर हो। आरोपी में अभी किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी तो कोई लिखा पढ़ी भी नहीं हुई है और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। किस सूचना पे आप यहाँ पहुँचे थे? किस सूचना पे आप यहाँ पहुँचे? हम बाहर खड़े थे। क्या हुआ यहाँ? हम बाहर खड़े हैं, हमें शोर शराबा सुनाई दी यहाँ पे। क्या हुआ? हम बाहर खड़े थे गेट पर, इलाज कराने आए थे यहाँ, शोर शराबा सुनाई दी, हम अंदर आ गए। तो क्या हुआ है यहाँ पर? खड़ा हो रहा, शोर शराबा सुनाई दी। मैं सुल्तान सिंह पद्मश्री, मैं सभी हल्का नीलोखड़ी वासियों को हैप्पी दिवाली, और मैं धनतेरस और गोवर्धन पूजा और भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से इस साल यह हैप्पी दिवाली है, तो आने वाला दिवाली भी हमारी इसी तरीके से खुशियां लेकर आए। सबको मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं सुल्तान सिंह पद्मश्री गाँव बुटाना से। नीलोखेड़ी के कर्मच मेहनती और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देश के प्रसिद्ध मछली पालक किसान सुल्तान सिंह तथा उनके होनार पुत्र नीरज उर्फ विक्की की ओर से सभी प्रदेश वासियों को शुभ दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नीलोखेड़ी के कर्मच मेहनती और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देश के प्रसिद्ध मछली पालक किसान सुल्तान सिंह तथा
उनके होनहार पुत्र नीरज उर्फ विक्की भगवान श्री गणेश तथा महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। नीलो खेड़ी के कर्मच मेहनती और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देश के प्रसिद्ध मछली पालक किसान सुल्तान सिंह तथा उनके होनहार पुत्र नीरज उर्फ विक्की की ओर से आप सबको एक बार फिर से दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।